हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो यार क्वेश्चन मैंने ले रखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का और इसमें क्या कह रहे हैं ध्यान से देखेंगे। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ विलेजर्स ए कंस्ट्रक्शन एजेंसी डिजाइन ए टैंक विद द हेल्प ऑफ एन आर्किटेक्ट। टैंक कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर बेस विद रेक्टेंगुलर साइड्स open at the top so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube as so below। ये आपके सामने टैंक छपा हुआ है और ये भी टैंक ही है, ठीक है। ये टैंक लगता नहीं इसलिए मेरे को ये बनाना पड़ा आपको फील करवाने के लिए कि भाई हां सचमुच में ही टैंक दिख रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये बनाना पड़ा है दोनों टैंक की। यस, ये फील करवाने के लिए एक ही चीज है वैसे दोनों। आगे क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी आपको ऊपर, उन इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। क्वेश्चंस आपके पास 5 होंगे एक एक नंबर के और उनमें से आपको यार 4 क्वेश्चन के आंसर देने, है ना। 4 नंबर आ जाएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 2 आएंगे 4-4 के 8 नंबर के, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी वो जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन के ऊपर पहुंचते हैं, पहले पार्ट के ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। अपने को 4 पार्ट सोल्व करने, 5 में से पहला मैं सोल्व कर रहा हूं, इसके बाद दूसरा तीसरा, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ पहला ही छाप रखा है, इसके बाद मैं दूसरा करवाऊंगा तीसरा चौथा ऐसे कराएंगे, ठीक है। यस, इंफॉर्मेशन जानो, इंफॉर्मेशन क्या क्या है। जो टैंक है उसकी वॉल्यूम कितनी है, 8 मीटर क्यूब, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी, उसकी जो डेप्थ है, हाइट कह दो या डेप्थ कितनी है, 2 मीटर। डेप्थ कितनी है, 2 मीटर। ये दोनों एक ही चीज है बेटा, मैं इस पे वर्क करके दिखाना चाहता हूं। ये सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको फील हो कि सचमुच टैंक है, ठीक है। यस, इसमें मैं काम करना चाहता हूं। डेप्थ कितनी दे रखी है, 2 मीटर। और यार इसमें एक चीज और कह रहा है कि जो बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है। बेस जो है वो क्या है, रेक्टेंगुलर, और इसकी साइड्स भी रेक्टेंगुलर है। और मेरे भाई जो ऊपर से जो टैंक है वो ओपन है, ऊपर से जो टैंक है वो क्या है, ओपन। ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो यहां पे लिखी हुई भी है और मैंने एक बार फिर से बता दिया। अब अपना पहला पार्ट सोल्व करते, इसमें क्या कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर बेस। रेक्टेंगुलर बेस ये रहा भाई, इसकी एक्स तो क्या कह रहा है कि लेंथ है और वाई क्या है, वाई क्या है, ब्रेड्थ है। लेंथ एक्स है, वाई क्या है, ब्रेड्थ, ठीक है। देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज, एक्स वाई के अंदर आपको रिलेशन बताना है। ये कहता है भाई एक्स लेंथ है, जो बेस जो है टैंक का जो बेस है रेक्टेंगुलर, उसकी एक्स तो क्या है, लेंथ, और वाई क्या है, ब्रेड्थ। तो आपको क्या बताना है, रिलेशन बताना है किसके बीच, एक्स एंड वाई के बीच, वेरिएबल्स के बीच। बता देंगे भाई ये सब रिलेशन एक्स वाई के बीच में है, अपने को एक आंसर इसमें से बताना कौन सा सही होगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा ये बताना है। तो देखो भाई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, यहां पर इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलूंगा। देखो इसका जो वॉल्यूम है भाई, वॉल्यूम है वो कितना है, 8 मीटर क्यूब है, यानी 8 मीटर क्यूब है तो 8 लिख लो एक साइड, और एक साइड में क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्लास 10वीं के स्टूडेंट को भी कह दो तो यार वो भी कर देगा, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 10th क्लास का स्टूडेंट भी कर देगा इस क्वेश्चन, इस पार्ट को सोल्व। आगे की पार्ट की गारंटी नहीं ले रहा, इस पार्ट की गारंटी ले रहा हूं। तो यहां पर आपको अगर मैं ये कहूं वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो, आप ये कहोगे सर लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, एलबीएच। एलबीएच लेंथ क्या है भाई, एक्स। ब्रेथ कितनी है भाई, वाई। हाइट कितनी है भाई, 2। एल बी एच इज इक्वल टू 8, क्योंकि वॉल्यूम दे भी तो रखा है 8 मीटर क्यूब। मैं लिख सकता हूं ऐसा, यस ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो मेरे भाई एक काम कर लो बस, ये देखो 8 by 2 is equal to x into y छाप सकता हूं। यस, ये 4 पे गया तो 4 is equal to x into y, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो xy is equal to 4। अब देखो ऑप्शन कौन सा सही है, इसको देखते हुए ऑप्शन बी बिल्कुल अपना सही है, ऐसे आंसर देने, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
और इस ऑप्शन को मैं यहां पे लिखूंगा क्योंकि मैंने जो पिछला क्वेश्चन करवाया था आपको उसमें भी बताया था कहीं ना कहीं ये चीजें अगले पार्ट्स में यूज होती है। यस प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं ये चीजें अगले पार्ट्स में यूज होती है, तो मैंने x इंटू वाई इज इक्वल टू फोर यहां पर लिख लिया है, हो सकता है ये आगे काम आए, यहां पर लिख लिया। वैसे ऑप्शन इसका कौन सा सही है? बी सही है, अगले पार्ट में कहीं ना कहीं यूज हो जाए तो इसलिए मैंने यहां पे लिख लिया। अब अपना सेकंड पार्ट करते इसका। यस प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं वो देखो, इफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक कॉस्ट रुपीज 70 पर स्क्वेयर मीटर फॉर द बेस एंड रुपीज 45 पर स्क्वेयर मीटर फॉर साइड्स, देन मेकिंग कॉस्ट सी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज। सीधी सीधी बात मैं बता देता हूं, जो कॉस्ट है, कॉस्ट है उसको एक्स की फॉर्म में लिखना है। प्यारे बच्चों, कॉस्ट को एक्स की फॉर्म में लिखना है, लिख देंगे कोई दिक्कत यहां पे नहीं होगी। ध्यान से देखेंगे कैसे लिखेंगे कॉस्ट को एक्स की फॉर्म में। तो इधर तो मैं सी लिख लेता हूं और उधर मैं कॉस्ट बताता हूं कैसे कैसे निकलती है इसकी। देखो भाई, ये कहता है जो बेस है ना, बेस 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 ये है, इसमें 70 रुपए पर स्क्वेयर मीटर के हैं, 70 रुपए पर स्क्वेयर मीटर के, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल के, एरिया निकाल के, बेस का एरिया निकाल के अगर उसको 70 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस नीचे नीचे बेस की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी, छोटी छोटी चीजें, तो एरिया निकाल दो भाई नीचे का, नीचे का एरिया एक्स इंटू वाई होगा, एक्स इंटू वाई होगा, और इसको कर दो 70 से मल्टीप्लाई, तो नीचे की कॉस्ट आ गई, बेस की कॉस्ट आ गई। यस, अब यार साइड की कॉस्ट और रह रही है, साइड की कॉस्ट और रह रही है, साइड्स की कॉस्ट रह रही है। देखो साइड्स की कॉस्ट हम निकालते हैं। अब मैं देखो इस साइड, ये साइड और ये साइड निकालने वाला हूं, और साइड्स की कॉस्ट के रुपए कितने हैं भाई, रुपए 45 पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से। तो ये साइड और ये साइड में एक साथ लिखने वाला हूं, कैसे देखेंगे आप। इस साइड का एरिया क्या होगा, इस साइड का एरिया क्या होगा, टू इंटू वाई, टू इंटू वाई तो होगा यार 2 into y, और उस साइड का एरिया भी क्या होगा 2 into y। तो ये देखो 2 into y, ये 2 into y, वो तो कितना हो गया 2y 4y, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो भाई, 45 से कॉस्ट आ जाएगी, 45 into 4y। तो इसकी कॉस्ट बता दी बेस की, इस साइड की कॉस्ट बता दी, इस साइड की कॉस्ट बता दी। अब दो साइड और रहेगी, ये साइड और इससे पीछे की साइड, बोर्ड के साइड में जो है, ये साइड और वो साइड, दो साइड रहेगी। ऊपर का तो ओपन ही है, ऊपर के तो रुपए लगेंगे नहीं भाई, ऊपर का तो ओपन ही है, ये साइड और वो साइड और रहेगी। तो ये साइड निकाल लेता हूं, ये साइड जितनी वो साइड भी इतनी है, तो ये साइड कैसे आएगी भाई, ये 2 और ये एक्स, तो इस साइड का एरिया 2x आ जाएगा। नहीं भाई, हाइट तो 2 है, यहां 2 है, तो यहां भी 2 होगा, हाइट तो 2 और जो इसकी लेंथ थी वो कितनी थी, नीचे बेस की लेंथ x, तो 2 into x इसका एरिया, तो उस साइड का भी एरिया क्या होगा 2 into x, तो 2x 2x 4x 4x, और उसको कर दो भाई 45 से मल्टीप्लाई, कॉस्ट आ जाएगी 45 गुना में 4x, ठीक है भाई। अब मैं देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं इसको, 70 इंटू एक्स वाई प्लस, इसमें से कुछ कॉमन आता है तो भाई कॉमन निकालो सीधे सीधे। अब देखो 45 गुना में 4 कॉमन आ रहा है, तो 45 गुना में 4 मैं लिख देता हूं, 180 होगा, और अंदर भाई क्या क्या रहेगा, ये तो एक्स रहेगा प्लस यहां से क्या रहेगा वाई। अच्छा, पर हमें कोस्ट को भाई एक्स की फॉर्म में दिखाना है। प्यारे बच्चों, कोस्ट को एक्स की फॉर्म में दिखाना है, इसमें तो वाई भी इंक्लूड है, और यार मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इस पार्ट का आगे कहीं यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो मैं यहां पे वाई यूज करने वाला हूं, तभी तो सब एक्स में बनेंगे, वाई की वैल्यू एक्स में ले आया तो सब एक्स में बन जाएंगे। यस, और वाई की वैल्यू एक्स में ये देगा, वाई की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी 4/x, और ये हम प्रूव करके आए हैं पहले, x इंटू वाई 4 होता है, तो y की वैल्यू 4/x आई, मैं यहां रख दूंगा, यहां रख दूंगा, और कॉस्ट को x में बना दूंगा 70 इंटू x इंटू में 4/x प्लस में 180 इंटू में x प्लस में 4/x। तो प्यारे बच्चों, x से x हुआ कैंसिल, तो c इज इक्वल टू 7 × 28 280 आ गया, प्लस उधर 180 इंटू में एक्स प्लस में 4/x। क्या इनमें से कोई ऑप्शन है, देखते हैं।
अब देखो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही सेट हो रहा है, सी इज इक्वल टू 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4 बटे एक्स। ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही सेट हो रहा है, एकदम राइट है सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट है। और मैं यार इस ऑप्शन को भी यहां लिख लेता हूं, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, पीछे की चीजें यहां पे आगे पार्ट्स में यूज होती रहती है, तो मैं इस कॉस्ट को लिख लेता हूं एक्स की फॉर्म में इधर, 280 प्लस में 180 इंटू में एक्स प्लस में 4 बाई एक्स, जो दूसरे पार्ट का आंसर है। अब आगे चलते तीसरा पार्ट देखते हैं भाई, तीसरा पार्ट। अरे बच्चों थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं वो देखो, द ओनर ऑफ कंस्ट्रक्शन एजेंसी इज इंटरेस्टेड इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट सी ऑफ होल टैंक, फॉर दिस द हैपन द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी। वो क्या चाहता है कि कॉस्ट को मिनिमाइजिंग करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है, और उसके लिए एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की। तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या होता है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दिखाने के लिए सबसे पहले फंक्शन का करना पड़ता है डेरिवेटिव, और उसको रखना पड़ता है जीरो के बराबर, वहां से आपकी जो एक्स की वैल्यू आती है उनको क्रिटिकल वैल्यूज बोलते हो, और फिर करते हैं सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का, और उसमें वो एक्स की वैल्यू पुट की जाती है। अगर सेकंड डेरिवेटिव माइनस का आता है तो मैक्सिमाइज हो जाता है, और वो वैल्यू पुट करने के बाद एक्स की वैल्यू, और प्लस का आता है तो मिनिमाइज हो जाता है। तो अपने को आगे नहीं जाना, सिंपल एक काम करना है, मैं बताता हूं उतना करना है आपको, फंक्शन का कर लेना है डेरिवेटिव, कॉस्ट का डेरिवेटिव कर लेना है, क्योंकि फिलहाल कॉस्ट फंक्शन है और उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो कॉस्ट का डेरिवेटिव कर लेना है और उसको जीरो के बराबर लेके चलना है, बस ये सोचो। मतलब कि डीसी बाई डीएक्स करना है भाई, डीसी बाई डीएक्स निकालना है, डीसी बाई डीएक्स निकाल लो पहले। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करने, तो 280 का डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके साथ एक्स है ही नहीं, प्लस 180 रहेगा ही रहेगा, और यार एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस माइनस इसका 4 बाई एक्स प्लस 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 4 बाई एक्स का, मैं बता देता हूं इधर पे 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1 लिख लोगे, और इसमें क्या करेंगे पावर आगे पावर में से एक कम अंदर का वन लिखो, चाहे मत लिखो, मतलब कि माइनस 4 बाई एक्स स्केयर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस 4 बाई एक्स स्केयर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा भाई, 4 बाई एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस 4 बाई एक्स स्केयर, तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस का 4 बाई एक्स स्केयर, ये कर लिया डेरिवेटिव, और अब इसको जीरो के बराबर लेके चल दो, यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी, जीरो के बराबर लेके चल दो भाई, 180 इंटू में 1 माइनस में 4 बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0, 180 जीरो हो नहीं सकता तो कौन जीरो होगा, 1 माइनस 4 बाई एक्स स्केयर जीरो होगा भाई, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू 4 बाई एक्स स्केयर लिख सकता हूं, और एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 4 देख लो, और एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, और आप अच्छे से जानते हो x लेंथ थी, x क्या थी लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती प्यारे बच्चों, तो यहां पे हम सिर्फ x की वैल्यू लेंगे 2, मतलब 2 मीटर। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी सही हुआ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो ऐसे x की वैल्यू निकालनी, और मिनिमाइज अगर आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, अब डबल डेरिवेटिव निकाल लो, देखो मैं दिखा देता हूं आपको बकायदा, मिनिमाइज हो जाती है कॉस्ट, एक्सपेक्ट मिनिमाइज हो जाएगी, देखना मैं क्या करूंगा, डबल डेरिवेटिव निकालूंगा ना, ये मैं मिटा रहा हूं बेटा जगह की कमी की वजह से। अब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करता हूं, डी टू सी बाई डी एक्स टू होगा, यस। अब भाई क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 180 अंदर मल्टीप्लाई होके जाएगा, बिल्कुल जाएगा, या फिर 180 को बाहर ही लिखो, क्यों मल्टीप्लाई करते हो, 1 का 0, और भाई माइनस 4 बाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का करोगे तो देखो क्या आएगा, माइनस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 लिखोगे, पावर आगे पावर में से एक कम करोगे तो आगे तो 8 बन जाएगा, एक्स की पावर माइनस 3, 8 बाई एक्स क्यूब आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, प्लस का 8 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके बाद हम जो ये एक्स होता था अपना, इसको पुट करते थे इसमें x की जगह, और इस पे आपको अच्छे से पता है d2c by dx2 at x is equal to 2 पे, at x is equal to 2 पे पॉजिटिव आएगा,
भाई पॉजिटिव आएगा, ये जीरो प्लस तो लिखो चाहे मत लिखो। अब यहां पे एक्स की जगह दो लगाओगे तो सब आपको पॉजिटिव मिलने वाला है नहीं, और पॉजिटिव आने पे, पॉजिटिव आने पे आपका जो कॉस्ट है वो क्या हो गया, मिनिमाइज। ये यार बेसिक चीजें, देखो ये समझ में जब आएगा जब थोड़ा बहुत आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा होगा, नहीं तो ऊपर से भी जाएंगे चीजें, मैं खुद कह रहा हूं। तो आपकी जो अब कॉस्ट जो है वो क्या हो चुकी, मिनिमाइज हो चुकी, क्योंकि हम डबल डेरिवेटिव अगर प्लस का दिखा देते थे एक्स पे तो अपना जो फंक्शन होता था वो मिनिमाइज हो जाता था, और माइनस का दिखा देते तो क्या हो जाता था, मैक्सिमाइज। तो हमने प्लस का दिखा दिया एट एक्स इज इक्वल टू टू पे, तो कॉस्ट मिनिमाइज होगी, मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे का काम चेक करो चाहे मत करो, आगे का जरूरी नहीं है करना आपको, बस मैंने समझाया था वहां तक करना चाहिए ना। आपको एक्स मिल तो रहा है भाई, प्लस माइनस दो मिला था, माइनस दो हटा दो क्योंकि लेंथ कभी भी, एक्स यही तो है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो 2m यहां पे, 2 मीटर यहां पे आंसर, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो ये 2 मीटर भी भाई लिख लेता हूं एक साइड, 2 मीटर हो सकता है कहीं ना कहीं यूज हो जाए। अब ये देखो कॉस्ट यूज है ही नहीं यहां पे, कॉस्ट निकाल रखी थी तो यूज हो गई, अदरवाइज निकालनी पड़ती एक्स की फॉर्म में। तो यार ये है बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, अगला पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखो फॉर मिनिमम कॉस्ट सी द वैल्यू ऑफ वाई शुड बी, मिनिमम कॉस्ट सी द वैल्यू ऑफ वाई शुड बी। तो यार एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू मिनिमम कॉस्ट सी के लिए एक्स की वैल्यू दो आई थी, यानी दो मीटर ही तो आई थी एक्स की वैल्यू। अब हम वाई की वैल्यू बता देंगे कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक्स वाई में रिलेशन पहले से है, उसका यूज अब मैं फिर करने वाला हूं। तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फोर है भाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फोर है, तो y क्या आ जाएगा, 4 बाई एक्स आ जाएगा कि नहीं, हमें y तो बताना है मिनिमम कॉस्ट के लिए। अब y इज इक्वल टू 4 बाई मिनिमम कॉस्ट के लिए, x क्या था 2 मैंने रख लिया, अब ये जो y आएगा ये भी मिनिमम कॉस्ट के लिए ही आएगा, 2 टू जा 4, मतलब y इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही यार, बहुत आसान आसान सी चीज है, यहां पे भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एक्स की वैल्यू 2 मीटर आई थी और यहां पे y की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 2 मीटर, ये ध्यान देना, बिल्कुल आसान, बहुत ज्यादा आसान। एक पार्ट और बचता है वो और करवा देता हूं, 5 के 5 पार्ट हो जाएंगे। यस बच्चों लास्ट पार्ट देखिए इसका, कहता है कि द प्रधान ऑफ विलेज वांट्स टू नो मिनिमम कॉस्ट, द मिनिमम कॉस्ट इज, मिनिमम कॉस्ट क्या होगी ये बतानी। अब मिनिमम कॉस्ट बतानी, वहां पे तो कॉस्ट को मिनिमाइज दिखा रहे थे हम, सी को मिनिमाइज दिखा रहे थे, अब कॉस्ट जो मिनिमम होगी वो कितनी होगी वो बतानी। तो बस कुछ भी नहीं भाई, कॉस्ट आपके पास रखी हुई है पर वो एक्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है भाई, एक्स की फॉर्म में। अगर मैं एक्स की जगह 2 मीटर रख दूं, एक्स की वैल्यू ही तो थी ये, एक्स की वैल्यू ही तो थी, एक्स की 2 मीटर निकाली थी मैंने, वाई की 2 मीटर निकाली थी, है ना, एक्स की जगह मैं 2 मीटर रख दूं, 2 रख दूं, 2 मीटर छोड़ो 2 रख दूं, तो कॉस्ट आ जाएगी, मीटर तो रखना नहीं चाहिए क्योंकि कॉस्ट कभी मीटर में नहीं होती, एक्स की जगह यार 2 रख दूं तो अपने पास कॉस्ट आ जाएगी। यस तो देखो अब मैं क्या करूंगा, ये 280 प्लस 180 इंटू 2 प्लस 4 बाई 2 और इसको कर देता हूं सोल्व, अपने पास जो मिनिमम कॉस्ट है वो आ जाएगी 280 प्लस 180 और भाई ये 2 जा 4 और भाई 2 प्लस 2 आया 4। अब भाई 280 प्लस 18 की 4 से करोगे तो 720 बन जाएगा, 180 4 से गुना हुई तो 720 बना। यस और भाई इनको जोड़ दो 0 और ये 0 और ये आपका 10, 1000 रुपए, रुपीज 1000, रुपीज 1000, ठीक है, बिल्कुल आसान, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पे सही, डी ऑप्शन आएगा आंसर। तो मैंने बारी बारी से बहुत ज्यादा मेहनत से पांचों पार्ट आपको करवाए हैं, फिगर विगर बना के अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन को, वैसे इन क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे दिखा नहीं पाते, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी, आप देख पा रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। तो वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू वेरी मच।